मेरी पुत्री पौलमी माता पार्वती के श्राप से छिन्न भिन्न हो गई है। उसकी शक्ति और काया प्रदान करने की कृपा करें। आपका नाम क्या है बेटा? पौलमिका। पिता का नाम? ये पौलमिका के स्कूल के आईडी कार्ड में उसके बाप की जगह मेरा नाम क्यों? उसके पिता का नाम तो हमें पता नहीं, तो आपका नाम लिखवाते हैं। इस आईडी कार्ड में ना जो मेरा नाम लिखा हुआ उसके बाप की जगह में, वो हटवाओ। हमारे अथक प्रयासों के पश्चात भी असुरराज सफल हो गए। साथ ही ब्रह्मदेव की दृष्टि में हम स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाए। अब चिंता इस बात की है, देवी पौलमी के पास उनकी शक्तियां आ गई हैं। इसीलिए अब हमें सावधान रहना होगा। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते, आप सभी जिस बात को लेकर व्याकुल हैं, विचलित हैं, हम उससे भी बड़ी चिंताजनक सूचना लेकर आपके समक्ष आए हैं माते। हाँ माते, उससे भी बड़ी चिंताजनक सूचना। माते, असुर राज के तप से प्रेरित होकर एक और असुर महादेव की तपस्या प्रारंभ कर रहा है। किंतु वो किस लिए तप कर रहे हैं? नारायण नारायण माते, वो महादेव के तीसरे नेत्र से भस्म हो चुके कामदेव के लिए अपनी काया प्रस्तुत करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, धरती लोक पर अनाचार बढ़ जाएगा, हमें उसे रोकना होगा, तभी हम ब्रह्मदेव का विश्वास भी पुनः प्राप्त कर पाएंगे। किंतु माते, हम किसी का तप भंग नहीं कर सकते, ना ही उसे दादा श्री की भक्ति करने से रोक सकते। असुर राज जब तप कर रहे थे तो हमारे पास ब्रह्मदेव का आदेश था, किंतु अब वो भी नहीं है। देवी संतोषी, हमारे अनुसार किसी भी अच्छे कार्य के लिए हमें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आपकी बात सत्य है माते, हमें प्रयास करना होगा, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? माते, आपको वो करना होगा जो आपने कुंभकर्ण के साथ किया था। देवी संतोषी ने उचित मार्ग दिखाया। दाऊजी किसी फिल्म के कॉमेडी कैरेक्टर से कम नहीं लग रहे। कितनी बार भी नहा लो, ये गर्मी है कि जान नहीं छोड़ती। क्या बात है जनाब हजरत, इतना अच्छा मूड है। संतोषी, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारे ताऊजी डॉन बन गए? हाँ, सुना तो हमने भी है, पर देखा नहीं। पता नहीं हमारे सीधे साधे ताऊजी डॉन बन के कैसे लग रहे होंगे। कैसे लग रहे देखना है। मैं तुम्हें तुम्हारे ताऊजी का बिल्कुल सीधा प्रसारण दिखा सकता हूँ। तुम्हारे भाई ने भेजा है हमारे साले साहब ने। हाँ। आज से यही जॉन जॉनी जनार्दन का ठिकाना है, सारी वसूली हम यहीं से करेंगे। तुम लोग सारे वसूली की रकम यहीं ला के देना। क्या है ये? वैसे संतोषी, मेरा जो ससुराल है वो कमाल का है, कभी कोई भगवान बन जाता है, कभी कोई डॉन। हमारे परिवार को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। क्या बुरा है, अनोखा परिवार है हमारा। क्या कर रहे हैं? अरे पानी पानी पूछ रहा हूँ। वैसे हाँ, अनोखा ससुराल तो है हमारा, और वहाँ के सारे सदस्य भी अनोखे है ना। और साथ ही में मेरी जो धर्म पत्नी है वो भी अनोखी, बहुत स्पेशल। इतनी अनोखी है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे भी
बदल जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए सबसे। अच्छा धैर्य सर, यहाँ रुद्राक्षी पौलोमिका जल्दी करो बेटा, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। हाँ मम्मा आ रही अत्यंत चतुर है। क्या हुआ? ये लो, तुम्हें तुम्हारे जूते नहीं मिल रहे थे ना, अब जल्दी जाओ और पहन लो। कहाँ रह गए आप दोनों? रुद्राक्षी! हाँ मामा। बॉस, ये 3 लाख विरोधी का आया है, ये 5 लाख हफ्ता वसूली का, और ये 1 लाख नए सुपारी का एडवांस मिला है। अरे डॉन बाबू, अब ऐसे कुर्सी ही तोड़ोगे? हमारी कमर टूट गई है खड़े खड़े। थोड़ा और सुनो, शाम तक वो चौक वाले दुकान का भी हफ्ता वसूली आ जाना चाहिए। ये भी ना किसी काम के नहीं। इधर आओ भैया, आओ ना, आओ आओ। शरीर वरीर अच्छा बनाए हो, हैं? जिम जिम जाते हो? ये जो हमारे जो डॉन भैया है, जनार्दन भैया, साला इतना बड़ा डॉन बने कैसे हैं? बॉस का नाम नहीं लेने का, भाई बोलने का। भाई? हाँ भाई बोलेंगे भैया। ट्रिपल जे? ट्रिपल जे बोल लेंगे। पहले हटाओ यार, क्या कर रहे हो यार, हटाओ। बंदूक तो हटा लेंगे, मगर मैंने जो कहा उसे याद रखना। याद नहीं भैया, खुदवा देंगे यहाँ पर। हाँ टिप्पल जे, हटाओ हटाओ। महादेव,
आशा है आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे। मैं स्वयं को आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। अब हम कुछ करते हैं। वो सब तो ठीक है गुड्डू भैया, ये तो बताइए कि ताऊजी डॉन बनकर कर क्या रहे हैं घर में। अरे संतोषिया दीदी कहा बताएं, जब से डॉन वॉन बन के आए ना अलग ही रौब और उत्वा बनाए हुए हैं। हाँ, बता रहे लाख विरोधी का आया है, ये 5 लाख हफ्ता वसूली का। किसी बात कर रहे हैं गुड्डू भैया, हो क्या गया है ताऊजी को, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ताऊजी से तो हम आकर बात करेंगे, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आपको इस सब गलत काम से दूर रहना है। हाँ अरे संतोषिया दीदी आप फिक्र मत करें, संतोषी माता के भक्त गलत रास्ते पे नहीं जाते, बल्कि गलत रास्ते पर जाने वालों को सही रास्ते पर लेकर आते। अब गुड्डू त्रिपाठी का वादा है आपसे। हाँ सो तो है। अच्छा गुड्डू भैया हम बाद में फोन करते हैं। हाँ कैसा रहा आप दोनों का दिन? क्या हुआ आप बड़ी उदास से दिख रही हैं? आंटी वो रुद्राक्षी को आज स्कूल में पनिशमेंट मिली। सजा मिली किस बात के लिए? मामा मेरी होमवर्क की बुक कहीं खो गई है। कॉपी नहीं मिल रही, ऐसे कैसे नहीं मिल रही? होमवर्क करने के बाद बैग में रखी थी ना? हाँ मामा। अगर बैग में रखी थी तो फिर कहाँ गायब हो गई? तुम जरूर कमरे में भूल चुकी हो, चलो हम देखते हैं। पता नहीं कहाँ रख दी तुमने। आंटी ये रहे रुद्राक्षी की बुक। रुद्राक्षी बेटा कहाँ ध्यान रहता है आजकल आपका, देखिए जरा आप ही की किताब है ना। ये कैसे हो सकता है, सुबह तो बुक्स मैंने बैग में ही रखी थी, फिर बाहर कैसे आ गई? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी कॉपी अपने बैग में ही रखी थी, पर समझ नहीं आ रहा कि वो तकिए के नीचे कैसे गई। रुद्राक्षी क्या हुआ, अरे अकेली क्यों बैठी हुई यहाँ पे और कहाँ खोई हुई थी तुम? पापा पता नहीं मुझे क्या हुआ जो मैं सब कुछ भूलने लगी हूँ। वैसे हमारी रुद्राक्षी को तो सब याद रहता है, पर ऐसा क्या है कि तुम भूल गई जो? आज स्कूल में पापा ऐसा होता है, हम दिन भर कितना कुछ करते हैं ना, इतना कुछ करते हैं कि कुछ कुछ बातें हम भूल जाते हैं, तो इट्स फाइन, टेंशन नहीं लेते, मुस्कुराओ, चले आ जाओ। और सुनो किसी भी बात का टेंशन नहीं लेते,
क्या हो रहा है? वो गंदा था इसीलिए साफ कर रही थी। और तुम्हें करने की क्या जरूरत है? घर पे नौकर चाकर है ना, यहाँ पे सर्वेंट्स है, वो करेंगे। सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, वैसे भी मैं खाली बैठी थी इसलिए कर दिया। संतोषी, संतोषी आई। अरे जल्दी आओ ना। क्या हुआ, इतने उतावले क्यों हो रहे? मैं उतावला नहीं हो रहा हूं, बल्कि तुम्हें वक्त दे रहा हूं, थोड़ा ज्यादा वक्त। मतलब आज शाम को हम एक पार्टी में जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें ज्यादा वक्त दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा वक्त दे रहा हूँ, ताकि तुम तैयार हो जाओ जल्द से जल्द, और हम पार्टी के लिए लेट ना हो। अच्छा जी, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पार्टी में हमेशा हमारी वजह से देरी हो। पापा, हम पार्टी में तो बहुत दिनों से नहीं गए। ठीक है, तो आ चलना हमारे साथ। पर हम बच्चे बड़ों की पार्टी में आके क्या करेंगे, इसलिए हम घर पर ही रहेंगे, आप दोनों जाइए। नहीं, हम जाएंगे पार्टी में। अरे हम चले तो जाएंगे रुद्राक्षी, पर बोर भी तो हो जाएंगे ना, इसलिए हम घर पे होमवर्क खत्म करके खेलेंगे। वैसे ये भी आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर चलो जल्दी जल्दी हम अपना होमवर्क फिनिश कर देते हैं। काफी समझदार है पोलमिकर। हम तो कहते थे सभी नहीं है, बच्चे बड़े की तरह हो। कोई कहेगा कृष्णा की बेटी है? बिल्कुल भी नहीं, लगता ही नहीं कि कृष्णा की बेटी। संतोषी तुम सही थी और मैं गलत। खैर तुम जल्दी से मुझे एक कड़क चाय पिला दो, क्या है मूड फ्रेश हो जाएगा मेरा। आप कमरे में चलिए, हम अभी लेकर आते हैं। महादेव मेरी बलि से अवश्य प्रसन्न होंगे। आज मैं उनसे कामदेव की काया का वर मांगूंगा। तुम्हारी बलि से अति प्रसन्न हूं बस, मांगो क्या वर मांगते। संकोच ना करो, जो भी मांगना है मांग लो। महादेव मुझे कागदेव काया का वर दीजिए। तथा संतोषी, ज्यादा देर तक आईने के सामने मत खड़ी रहो, वरना आईना शर्मा जाएगी। कुछ बहुत सुंदर लग रही। थैंक यू। चलो ठीक है, मैं बाहर जाके हॉल में वेट करता हूँ, तुम तैयार हो गया जाना। बाहर क्यों? बाहर क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी बाहर नहीं गया ना,
तुम तैयार नहीं हो पाओगी और साथ में हमें अपना जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करना पड़ेगा। जनाब क्या अभी इसके लिए इंतजार करना होगा? इंतजार ही तो नहीं होता, हो या ना हो करना तो पड़ेगा। वैसे पौलोमिका ने हमें बहुत ही अच्छा मौका दिया आज, अच्छा चांस दिया। जी ठीक है, अभी तो शुरुआत संतोषी आंटी की बर्बादी की।